ऐसा मुख्यमंत्री उस रूज वैली का जो पार्क है उसका उद्घाटन किया, वो पार्क में खड़ा होकर मुख्यमंत्री बोला, माननीय सरकार ने जो रूज वैली में पैसा रखी है वो पैसा सेफ रहेगा आपका, लेकिन जब लूटा है, लूट गए थे तब किसी को पता नहीं चला। वहाँ का जो फॉरवर्ड मिनिस्टर है विजिता नाथ, अभी एमएलए है, खुद एजेंट था। हमारे स्टेट में सीपीएम का जितना लोग था सब लोग एजेंट था। ज्यादा से ज्यादा सिटपंड में गरीब लोगों ने इसके साथ ही धोखाधड़ी हुआ है। मैं जिस स्टेट से आती हूँ, त्रिपुरा है, त्रिपुरा का नाम यहाँ का लोगों को, बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, क्योंकि जो सिटपंड है हम लोगों ने उसका दर्द को झेला है। हमारे जनसंख्या 37 लाख है, 16 लाख लोग उसे धोखाधड़ी का शिकार हुए है। हमारी बजट अभी इस साल का 16,000 करोड़ का था, लेकिन हम लोग 2006-07-10-11 तक हमारे स्टेट का 10,000 करोड़। चिंता कीजिए, जो गरीब 200 रुपया कमाता है चाय बेचने वाला, 200 रुपया कमाता है सब्जी बेचने वाला, ऐसे लोगों को इतना लूटा है। और जो गरीब लोग जॉब करते हैं, जॉब करने के बाद उसका जो रिटायरमेंट में आते हैं तब पैसा मिलता है, पेंशन का पैसा को इतना अच्छा अच्छा उन लोगों को बोलता है, जो 2-3 साल में डबल होगा, 5 साल में उसे तिगुना होगा, ऐसा बोल के 10,000 करोड़ रुपया लूटा है। और उस टाइम में हमारा जो सरकार था, 2018 में सरकार बदला है मोदी जी के कारण से, उस टाइम में वहाँ का जो मुख्यमंत्री था, जो मुख्यमंत्री के नाम से सारा दुनिया ऐसा जानता है, इतना गरीब मुख्यमंत्री है, पैदल सचिवालय जाता है, ऐसा मुख्यमंत्री उस रूज वैली का जो पार्क है उसका उद्घाटन किया, वो पार्क में खड़ा होकर मुख्यमंत्री बोला, माननीय सरकार ने जो रूज वैली में पैसा रखी है वो पैसा सेफ रहेगा आपका, लेकिन जब लूटा है, लूट गए थे तब किसी को पता नहीं चला। वहाँ का जो फॉरवर्ड मिनिस्टर है विजिता नाथ, अभी एमएलए है, खुद एजेंट था। हमारे स्टेट में सीपीएम का जितना लोग था सब लोग एजेंट था। ऐसा कोई घर नहीं है जिस घर में सीट फंड के रूज वैली का पैसा लूटा नहीं गया। तो इतना अच्छा विधेयक लाया है, हम आशा करते हैं हमारे स्टेट के लोगों को जस्टिस मिलेगा और आगे चल के सीटपंड के नाम से लोगों को दिल नहीं कापेगा। और जितना सीटपंड रूज वैली हो, आयकर हो, सपोर्ट इंडिया, रामेल, वारिस, जितना भी कंपनी है, 102 कंपनी त्रिपुरा में गए थे, सबका तार वेस्ट बंगाल में है। जितना पैसा है वेस्ट बंगाल में, जो अभी जितना फिल्म सिटी बना है, पहले अगरतला से पैसा लेके बना है, बाद में वेस्ट बंगाल को लोगों को लूटा है, लास्ट में लूटा है, अभी वेस्ट बंगाल को पता है, इतना लोग आत्महत्या की है। अभी बहुत सारे कम से कम 10,000 लड़का लड़की त्रिपुरा में नहीं है रूज वैली का, वो एजेंट हुआ करते थे। सीपीएम का गरीब मुख्यमंत्री हम लोग को ऐसा सरकार दिया है, तो अभी मोदी जी है तो मुमकिन है वो चले गए हैं। हम चाहते हैं हमारे स्टेट में जो पैसा लूटा है 10,000 करोड़, उसका सीबीआई तदंत चल रहा है, फिर भी अच्छा हो हमारे लोगों को पैसा मिले, क्योंकि हमारा बजट 16,000 करोड़ का है, 10,000 करोड़ पैसा लोगों से लूटा है। वो चाय वाला है, सब्जी वाला है, वो स्टूडेंट भी ऐसा ट्यूशन भी करता है, क्योंकि पहले तो मोदी जी का जो जनधन योजना का कार्ड ने हमारा जो बैंक अकाउंट नहीं था, बैंक अकाउंट नहीं था, मोदी जी जब जनधन योजना का बैंक अकाउंट चालू किया था, उसको अंदर लोग खाता ना खोले, इसके लिए भी पूरा व्यवस्था उन लोगों ने करके रखा था, इसके लिए इतना पैसा लूटे है। तो अभी महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद करती हूँ, ऐसा एक संशोधन उन्होंने लाया है, हम चाहते हैं इस संशोधन से अच्छा हो और सिटपंड के नाम को जो बदनामी हुआ है उस नाम से उभर कर अच्छा कुछ हो, जिन्होंने अपने खून पसीने से लोगों ने पैसा कमाया भविष्य को रक्षा करने के लिए, उन लोगों को भविष्य को खुद बनाने वाला उद्देश्य से पैसा रखा था, उसको लूट गया था। अध्यक्ष महोदय, मैं इस बिल को समर्थन करती हूँ। सिटपंड घोटाला में सिर्फ गरीब का पैसा गया, आत्महत्या भी उन्होंने किया है। मेरे अपने व्यक्तिगत मत है, सिटपंड घोटाला करने वाले और उसके संरक्षण जो लोगों ने दिया है उसके ऊपर धोखाधड़ी का मामला हो, उसको उसे पैसा भी वापस लेके लोगों के बीच में बांटा जाए, जितना संपत्ति है उसको भी सीज करके लोगों को जितना पैसा है उसको बांटा जाए, उसका व्यवस्था उसमें रखे। अध्यक्ष महोदय, अंत में केवल यहाँ कहना चाहती हूँ कि पूरे सदन में इस सिटपंड बिल को समर्थन करें और दुनिया को हम एक मैसेज दें, जो घोटालाबाज के लिए हमारा इंडिया में और भारत में कोई जगह नहीं है।